हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम कवर करेंगे। हम बात करेंगे चाइना की पोलर सिल्क रोड के बारे में। ये सिल्क रोड से काफ़ी डिफरेंट है और इसी टॉपिक के अंदर हम आर्टिक काउंसिल को डिस्कस करेंगे। हम आर्टिक में क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इंडिया इन सब में कहाँ फिट होता है हम ये भी जानेंगे। अ लॉट टू लर्न, अ लॉट टू डिस्कस, लेट्स स्टार्ट। और आप स्टडी आई क्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज ऑर्डर कर सकते हैं स्टडी आई क्यू की वेबसाइट studyiq.com से। वेरियस एग्जाम्स के कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे, SSC, बैंक, UPSC, क्लैट, DSSB, यू नेम इट, वी हैव ए टेस्ट सीरीज भी है फॉर UPSC एस्पिरेंट्स एंड SSC एस्पिरेंट्स एज वेल। आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। अच्छा देखो, ये है प्लैनेट अर्थ। एक बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको अभी। प्लैनेट अर्थ का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे आपको आर्कटिक मिलेगा, जो सदर्न पार्ट है नीचे का वहाँ पे एंटार्कटिक मिलेगा। फ़र्क है एंटार्कटिक और आर्कटिक में, एक तो लोकेशन का फ़र्क है ही, उसके अलावा यहाँ पे जो आपको लाइफ मिलेगी वो भी काफ़ी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल पोलर बियर आपको हमेशा नॉर्दर्न साइड में जो आर्कटिक है वहाँ पे मिलेगा, और जो पेंगुइन्स होते हैं आपने TV पे देखा होगा कहीं पर पेंगुइन्स, वो हमेशा आपको एंटार्कटिक में मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, सदर्न पार्ट में। अब देखो हमारा प्यारा भारत यहाँ पर आ गया। प्यारे भारत से हमको नॉर्दर्न साइड पे जाना पड़ेगा। नॉर्दर्न साइड को अगर हम जाते रहें तो यहाँ पे आता है आर्कटिक। आर्कटिक का जो एरिया है यहाँ पर, ये बहुत ही कोल्ड है, बहुत सारे ग्लेशियर्स मिलेंगे आपको, बहुत सारी बर्फ़ मिलेगी आपको यहाँ पर। अब रिसेंटली क्या हो रहा है, रिसेंटली तो नहीं खैर, पिछले 50 सालों में क्या हो रहा है कि जब से हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी तब से ह्यूमन रेस ने बहुत सारे कार्बन एमिशंस एमिट करने शुरू कर दिए, और उससे क्या हुआ कि धरती का जो एवरेज तापमान है वो बढ़ने लग गया। जब एवरेज तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगी, और जो बर्फ़ है यहाँ पे आइस कैप्स में धरती के नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में वो पिघलनी शुरू हो गई, और उसी की वजह से आज के टाइम में जो हमारे ओशंस हैं उनका स्तर राइज हो रहा है। जब ओशंस का लेवल राइज होगा तो क्या होगा, जो आइलैंड कंट्रीज है जैसे किर्तिबस, मालदीव्स, वो सबमर्ज होने शुरू हो जाएंगे। अभी के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये मान में बसा लो, पूरी वीडियो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। अब देखो, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी आर्कटिक काउंसिल के आर्कटिक मॉनिटरिंग असेसमेंट प्रोग्राम से। इस रिपोर्ट ने यह कहा कि आर्कटिक में जो भी बर्फ है, जो भी आइस है, वो 2030 के आसपास पिघल जाएगी। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले हम ये मान रहे थे कि आर्कटिक की जो बर्फ है हम करीब 2050 तक पिघला देंगे, क्योंकि हम लोग रुकने वाले हैं नहीं, हमको फॉसिल फ्यूल्स बर्न करना है, तरक्की करनी है, तो इवेंचुअली जो आर्कटिक है वहाँ पे आइस फ्री उसको तो होना ही था, ठीक है, इट इज़ बाउंड टू हैपन, मगर इतनी जल्दी हो जाएगा किसी को उम्मीद थी नहीं। अब इसका एक जो डाउनसाइड है वो तो है ही, सीधी सी बात है, जो वाटर लेवल होंगे वो राइज करेंगे, उस सबके अलावा क्लाइमेट चेंज के और भी एडवर्स अफेक्ट होते हैं, हम धरती को बदल रहे हैं एक तरीके से, हमको कोई अंदाज़ा नहीं है कि इससे नेचुरल डिजास्टर्स कौन कौन से नहीं आएंगे, क्या होगा, कहीं पे हरिकेन्स आ सकते हैं, कहीं पे स्नोफॉल ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी आ सकती है, अ लॉट कैन हैपन। मगर यहाँ पे कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है। अपॉर्चुनिटी क्या है, अभी याद करो जो मैंने आपको ग्लोब दिखाया था, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो आर्कटिक के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं जैसे रशिया, कैनेडा और डेनमार्क वगैरह, ये काफ़ी प्रॉस्परस कंट्रीज़ हैं और इनके लिए ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आर्कटिक ठीक है, अपनी जगह उसकी ज़रूरत भी है हमको, मगर इन कंट्रीज़ के लिए आर्कटिक हमेशा एक ऑब्स्टेकल था। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट। रुकावट क्यों थी, क्योंकि ये कंट्रीज़ चाहती थी कि जो आर्कटिक के आसपास का एरिया है वहाँ पे वो शिप्स और कार्गो आराम से भेज सके, और वो जो पूरा एरिया है वो एक ट्रेड करने का एक जोन बन जाए, वहाँ पे बर्फ़ ना हो, क्योंकि जब बर्फ़ होती है तो आपको स्पेशल बोट्स चाहिए होती है और कई महीने तक आप ट्रेड नहीं कर पाते, इसलिए रशिया को वार्म पोर्ट्स की हमेशा से ज़रूरत थी, क्योंकि रशिया के आसपास के जो पोर्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं, वहाँ पे आप शिप डॉक नहीं कर सकते, कई बार शिप आप वहाँ से गुजार भी नहीं सकते, वहाँ पे इतनी बर्फ़ होती है। मगर जब ये बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है तो चाइना ने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए ये कहा है कि हम यहाँ पर एक पोलर सिल्क रोड बना देंगे, मतलब कि जैसे ही आर्कटिक श्रिंक हो रहा है, इसकी बर्फ़ पिघल रही है, उस एरिया में हम ट्रेड कर सकते हैं, हम शिप से कार्गो भेज सकते हैं और रशिया को चाइना से कनेक्ट किया जा सकता है इन अ मच मोर बेटर वे। अब ये जो सोच है इसको मैं कुछ ऐसे समझा सकता हूँ, मान लो मेरा घर है, मेरा घर जल रहा है, तो मैं जलते हुए घर को बुझाने की कोशिश ना करूँ, मैं सोचूँ चलो इस पर हाथ सेक लेता हूँ, ठीक है, ये मैंटेलिटी कुछ हद तक ऐसी ही है।
तो रिसेंटली हुआ क्या, चाइनीज गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी अपनी आर्टिक पॉलिसी को लेकर। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आर्टिक एरिया में बर्फ़ पिघल रही है और नई जगह बन रही है, वहाँ से आराम से अब वो अपना जो कार्गो है वो यूरोप में भेज सकते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है चाइना को यूरोप से और रशिया के कुछ जो एरिया है उससे कनेक्ट करने का। इससे क्या है कि चाइना को सुएज कैनाल से नहीं गुजरना पड़ेगा, वहाँ पे फीस नहीं देनी पड़ेगी। और जब जब भी आप किसी कैनाल से गुजरते हो तो आपको कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं वहाँ पर, तो उससे चाइना बच जाएगा। चाइना को पूरा इंडियन ओशन पार नहीं करना पड़ेगा, टाइम बचेगा चाइना का। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मगर प्रॉब्लम यह है कि जब आर्टिक इलाके में जब ऑलरेडी वहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है, बहुत ही बड़े स्केल पर कार्गो आना जाना शुरू कर देगा, तो एक तरीके से जो हम अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो आर्टिक में बर्फ़ पिघल रही है, उसको हम और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। और इससे ये भी हो सकता है कि जो बर्फ़ पिघलने का प्रोसेस है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाए। अब इस मैप पे ध्यान दो, ये यहाँ पे चाइना है। चाइना को अगर मान लो यूरोप तक पहुँचना है तो नॉर्मल ट्रेड राउट चाइना के लिए क्या है? सबसे पहले तो यहाँ से ये जो पोर्ट है यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरेगा। ये जो एरिया है ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। फिर पूरा इंडियन ओशन पार करना है, फिर जाके यहाँ पर इस स्ट्रेट से गुजर कर यहाँ पर है सुएस कैनाल। यहाँ से जब जो कार्गो गुजरता है उनको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, कुछ फीस देनी पड़ती है। फिर इस कैनाल से गुजर के यहाँ पे वो यूरोप पे पहुँचेगा, फिर जाके बहुत लंबा रास्ता और लगेगा, तो जाके वो रशिया के किसी जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ तक पहुँच सकता है चाइना का कार्गो। चाइना ने क्या डिसाइड किया कि सिंस यहाँ पे आर्कटिक एरिया में बर्फ़ पिघल रही है, वो सीधा यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करेगा उनका कार्गो, और आराम से ये जो पिघला हुआ एरिया है, पिघला हुआ जो बर्फ़ का एरिया है, यहाँ से गुजरते हुए, और आप देख सकते हो ये जो ब्लू लाइन जा रही है, आराम से जो रशिया का जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ से खुद को कनेक्ट कर सकता है। और साथ ही साथ यूरोप में थ्रू नेदरलैंड्स, यहाँ पे रोटरडैम आपको दिख रहा है, एक सिटी है नेदरलैंड्स की, वहाँ से खुद को कनेक्ट कर सकता है। ये एक छोटा रूट है, और ऑफ कोर्स यहाँ से कोई सुएस कैनाल से आपको गुजरने की ज़रूरत नहीं है, कोई चोक पॉइंट नहीं है। कल को चाइना को कोई डर नहीं है कि अगर मान लो यहाँ से कार्गो चाइना का रुक जाता है या इस एरिया को ब्लॉक कर देता है कोई, तो चाइना ट्रेड नहीं कर पाएगा, चाइना तब भी यूरोप से आराम से ट्रेड कर सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि चाइना की हिस्टोरिकली यूरोप से कनेक्टिविटी काफ़ी पुअर रही है। आप अगर देखो पैसिफिक ओशन जो है उसकी वजह से चाइना की जो कनेक्टिविटी है विद यूएस है वो काफ़ी अच्छी है। पैसिफिक ओशन बिल्कुल ओपन है, कोई कैनाल कहीं पे नहीं है, यहाँ पे इस पार यहाँ पे यूएसए है, ये पूरा मैप पे दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। तो सीधा यहाँ से चाइना आराम से गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड कर सकता रहा, मगर अब यही कनेक्टिविटी चाइना यूरोप के साथ भी मेंटेन कर सकता है। प्रश्न यहाँ पर यही है कि ये जो बर्फ़ यहाँ पे बची हुई है, जब उसको और हम तेज़ी से पिघला देते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे प्लानट पर क्या होने वाला है? तो यहाँ पर चाइना के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो बहुत ही ऑब्वियस है कि यूरोप और रशिया के साथ ट्रेड इंक्रीज़ करना, नंबर वन तो ये हो गया। उसके अलावा आर्कटिक एरिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना। इवेंचुअली चाइना क्या करने की कोशिश करेगा कि जो रशिया के मिलिट्री बेसेस हैं आर्कटिक एरिया के आसपास, वहाँ पर शायद चाइना खुद भी अपनी मिलिट्री डिप्यूट कर दे, खुद भी अपनी प्रेजेंस थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करे, क्योंकि आर्कटिक एरिया जो है वो स्ट्रेटजिकली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर ये भी है कि रशिया के जो नेचुरल गैस हैं उसके रिजर्व्स पे भी चाइना की नज़र है। नज़र ऐसे नहीं है कि उसको हथियाना चाहता है, यहाँ से परचेज ही करना चाहता है, मगर परचेज करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर ट्रेड आउट होना चाहिए। आज के टाइम में अगर इंडिया चाहे कि रशिया से वो गैस खरीदे तो एक बहुत ही मुश्किल लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि आपको पता है पूरा वो चाबार पोर्ट तक पहुँचेगा, फिर चाबार पोर्ट से गुजरात आएगा, और इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। वो काफ़ी हद तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस होगी और उसकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, मगर यहाँ पे चाइना को अपनी जोग्राफिकल पोजीशन की वजह से ये एडवांटेज मिलता है। वो डायरेक्टली जो रशिया का नॉर्दर्न पार्ट है जहाँ पे नेचुरल गैस अभी भी बहुत ही मुश्किल एरिया में फंसी हुई है, उसको एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, वहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज रशियन कंपनीज़ की मदद कर सकती हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने में, और आराम से सस्ते दामों में चाइना से वो नेचुरल गैस खरीद सकता है। रशिया के लिए भी अच्छा है ऑफकोर्स, क्योंकि पहले उस नेचुरल गैस को किसी को वो बेच नहीं पा रहे थे, मगर अब उनके पास एक बायर आ गया है, तो दोनों चाइना और रशिया के लिए एक विन विन सिचुएशन है ये। अब यहाँ पर हमको बात करनी पड़ेगी आर्कटिक काउंसिल की। आर्कटिक काउंसिल क्या है? देखो आर्कटिक एक काफ़ी स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट जगह है, वो एनवायरनमेंट के लिए भी ज़रूरी है, काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस पर क्लेम करना स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम अ वेरी अर्ली पीरियड। कनाडा ने कुछ क्लेम किया कुछ एरिया का, कुछ एरिया को रशिया ने क्लेम किया, कुछ एरिया को डेनमार्क ने, नॉर्वे ने, जो भी कंट्रीज़ इसके आसपास थी सब ने आर्कटिक पे जो क्लेम था वो करना स्टार्ट कर दिया।
अब प्रॉब्लम ये थी कि जो क्लेम्स थे वो एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रहे थे, इसीलिए इन सब कंट्रीज़ ने मिलके एक ग्रुप बना दिया, आर्टिक काउंसिल। आर्टिक काउंसिल में उन्होंने ये कोशिश करी कि पहली बात तो यहाँ पर जो स्पीशीज़ हैं, जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है उसको नुकसान ना हो, जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनको नुकसान ना हो, और बहुत ही पीसफुल तरीके से इस एरिया को मैनेज किया जाए। अब यहाँ पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि ठीक है यहाँ पे रिसोर्सेज थे, मगर ये एरिया इतना ज़्यादा ठंडा है, इतना ज़्यादा यहाँ पे आइस है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि इस पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने ज़्यादा कोई जोर नहीं लगाया इसको पाने में, क्योंकि इन दी एंड यहाँ पर आपको अगर क्लेम मिल भी जाता है तो आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। मगर अब जब हम क्लाइमेट चेंज की एरा में आ चुके हैं, ये जो बर्फ़ है ये पिघलने वाली है, सडनली ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑफकोर्स ट्रेड राउट की वजह से हो ही जाता है, मगर साथ ही साथ यहाँ पे हिस्सेदारी किसकी होगी, कौन कब्जा करेगा इस एरिया में, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चिन्ह बन जाता है। इसीलिए जब चाइना ने अनाउंस किया कि यहाँ पे वो एक पोलर राउट बनाएगा, रशिया ने होल हार्टेडली उसका वेलकम किया, और व्लादिमिर पुतिन भी काफ़ी एक्साइटेड हैं इस प्लान के बारे में, मगर कनाडा, डेनमार्क, यूएस, जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बहुत ही कॉशियसली इसका वेलकम किया। उन्होंने ज़्यादा इस पर ना यू नो एक्साइटमेंट दिखाई, ना इस पर ज़्यादा कुछ एप्रिहेंशन दी। देखो आर्टिक काउंसिल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे केस में, वो ओटावा डेक्लेरेशन के अंडर उसको बनाया गया था, मतलब इसके जो 8 मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया था, और जो 8 मेंबर्स हैं इस आर्टिक काउंसिल के वो है कनाडा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि आर्टिक के बहुत ज़्यादा करीब कनाडा है, रशिया है ही, नॉर्वे, डेनमार्क, डेनमार्क ग्रीनलैंड की वजह से है वहाँ पर, आइसलैंड, फिर यूएसए, यूएसए अलास्का की वजह से है, आपको पता होगा अलास्का काफ़ी नॉर्दर्न पार्ट है यूएसए का, वो भी टच करता है आर्टिक को, तो यहाँ पे अचानक से यूएस की भी हिस्सेदारी हो गई, और स्वीडन और फिनलैंड भी है, इवन दो काफ़ी छोटा एरिया इनका टच करता है आर्टिक को। तो आर्टिक बेसिकली एक हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जहाँ पे आर्टिक रीजन में जो भी डिसीजन लेने हैं वो लिए जाते हैं इन कंट्रीज़ द्वारा। तो अभी देखो आर्टिक काउंसिल में करीब इतने ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, ऑब्जर्वर मेंबर्स कभी भी क्लेम नहीं कर सकते आर्टिक की कोई भी ज़मीन, आर्टिक की जो ज़मीन है उस पर क्लेम उन 8 कंट्रीज़ का रहेगा जो आर्टिक काउंसिल के ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, जो ये ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, इनको आर्टिक में कोई अगर मान लो लेबोरेटरी अगर एस्टेब्लिश करनी है या किसी देश के साथ कोई संधि करनी है जिससे जिसे मिलके यहाँ पे कुछ रिसर्च करें, वहाँ तक ही वो कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। मगर ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो, जैसे चाइना के पास है, तो वो आराम से कुछ यहाँ पर लैंड लेबोरेटरी के बहाने एक मिलिट्री बेस के लिए भी ले सकते हैं। खैर ये जो ऑब्जर्वर स्टेटस कंट्रीज है उनके बारे में देख लीजिए, यहाँ पे आपको इसराइल नहीं मिलेगा, पाकिस्तान नहीं मिलेगा, नॉर्थ कोरिया नहीं मिलेगा, यहाँ पे साउथ कोरिया है, इंडिया है, चाइना है, जापान है, जर्मनी, नेदरलैंड्स और यूके, फ्रांस और स्पेन है। ठीक है, अब ये काफ़ी अच्छा एमसीक्यू है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आपको टेलीग्राम जो है हमारा चैनल वहाँ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी आईक्यू का, उसके अलावा मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे भी जो पीडीएफ मैं अपलोड करूंगा इस वीडियो की, वहाँ पर भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे बताना है कि आर्टिक काउंसिल का जो एक इनिशिएटिव है, ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है, पढ़ लेना कि जो आर्टिक काउंसिल का इनिशिएटिव है ये फिनलैंड की सरकार ने शुरू किया था, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि यूएसए आर्टिक काउंसिल में एक ऑब्जर्वर स्टेटस वाली कंट्री है। ठीक है, तो नीचे आपके ऑप्शन है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर अटैम्प्ट करना। अब यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक पॉइंट है जो आप अपने ऐसे आंसर में लिख सकते हैं, जो इंडिया भी यूज़ कर सकता है परहैप्स डिप्लोमेटिकली। अब जब जनवरी 26 को चाइना ने अपना जो पोलर सिल्क रोड का वाइट पेपर है वो दुनिया के सामने रखा, तो चाइना ने ये कहा कि जो वो एरिया है आर्टिक का जो एरिया है वहाँ पे ट्रेड करने के लिए चाइना को जो अथॉरिटी मिलती है, या जो आप कह लीजिए जो जो अधिकार मिलता है, जो राइट मिलता है, वो यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी से मिलता है, UNCLOS। अब अजीब बात यह है कि यहाँ पर चाइना इस जो क्लॉज है, ये जो एक कन्वेंशन बनाई गई थी उसका सहारा ले रहा है, मगर साउथ चाइना सी में, अभी आपको रिसेंटली पता होगा चाइना एक केस हार गया था इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, ये जो इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ये द हेग में है नेदरलैंड्स में, तो यहाँ पे केस चल रहा था चाइना पर साउथ चाइना सी को लेकर के, साउथ चाइना सी में क्या सिर्फ चाइना ही अपनी डोमिनेंस रख सकता है, या पूरा जो साउथ चाइना सी है वो चाइना का है या नहीं है। तो यहाँ पर इस कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि साउथ चाइना सी सबका है, इंटरनेशनल वाटर्स है ये, यहाँ से जो चाहे वो ट्रैवल कर सकता है, ये चाइना का एरिया नहीं है। अब यहाँ पर चाइना ने ये जो कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, इसको नहीं माना, मगर सडनली जब आर्टिक में बात आती है
तो ये इनका मेंशन करते हैं, ये कमाल की हिपोक्रेसी है। मैंने इंटरनेशनल लेवल पर इस तरीके की हिपोक्रेसी बहुत कम देखी होगी। उस सब के अलावा जो चाइना का डॉक्यूमेंट है वहाँ पे आपको और चीज़ें भी मिलेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि चाइना अपने आप को एक नियर आर्टिक स्टेट बताता है। नियर आर्टिक स्टेट मतलब कि वो खुद ही कह रहे हैं कि ज्योग्राफिकली वो आर्टिक के करीब है, जो कोई भी मैप देख के कह सकता है कि ऐसा कहीं से भी नहीं है। मगर इसे यही दिखता है कि चाइना वहाँ पे जो अपनी अथॉरिटी है, जो अपनी प्रेजेंस है, वो बढ़ाना चाहता है। अगर हम क्लाइमेट चेंज के बारे में देखें तो चाइना ने यहाँ पर, इवन दो अब आर्टिक में सीधी सी बात है चाइना कंट्रीब्यूट करेगा उन ग्लेशियर्स को पिघलने में, क्योंकि बहुत सारी चाइनीज शिप्स वहाँ गुजरेगी, मगर चाइना यहाँ पर ये कहता है कि हम लोगों ने अपनी तरफ से जो भी ऑब्लिगेशंस हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंडर वो फुलफिल कर ली है, तो कोई हम पे आरोप नहीं लगा सकता कि हम क्लाइमेट के लिए काम नहीं कर रहे। अनलाइक यूएसए, हम ऐसी एग्रीमेंट को छोड़ के जाते नहीं हैं, और हम बाकी कंट्रीज़ को भी इनक्रेज करते हैं कि वो क्लाइमेट के लिए काम करें। तो ये भी काफ़ी एक अजीब बात है कि इवन दो वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के पार्ट तो हैं, मगर वो प्रॉफिट के लिए बहुत सारे ग्लेशियर्स को यहाँ पे पिघला देंगे, और उसकी वजह से जो छोटी कंट्रीज़ हैं वो डेफिनेटली बहुत जल्दी डूब जाएंगी। अब देखो इंडिया आर्टिक में क्या कर रहा है उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। एग्ज़ाम में डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन है आर्टिक के करीब, इसका नाम है हिमाद्री स्टेशन, ठीक है। और ये नॉर्वे का एक छोटा सा टापू है, जो मेनलैंड नॉर्वे है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे छोटा सा एक टापू है, वहाँ पर ये लोकेटेड है। ये इसका जो नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है। जो प्राइमरी गोल है इसका वो है कि ये एरोसोल रेडिएशन पे काम करेगा, स्पेस वेदर को देखेगा, माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ को देखेगा, ग्लेशियर्स को देखेगा, किस तरीके से कार्बन रिसाइकलिंग हो रही है यहाँ पे, बहुत सारे टॉपिक्स पे इस रिसर्च स्टेशन पे शोध किया जाता है। 25-26 इंडियन साइंटिस्ट यहाँ पे हमेशा से रहते हैं। उसके अलावा ये जो रिसर्च स्टेशन बनाया गया वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि यूएसए का जो जियोलॉजिकल सर्वे था उसने ये एस्टिमेट किया है कि 22% जो दुनिया का ऑयल और नेचुरल गैस है वो आर्टिक के अंडर लोकेटेड हो सकता है। तो इंडिया भी यही चाहता है कि जो लोकेशन है इन ऑयल या नेचुरल गैस की, उसके बारे में इंडिया का भी पता हो, ताकि आगे जाकर शायद रशिया या कोई और जो कंट्री है जो आर्टिक काउंसिल के मेंबर हैं उनके साथ मिलके इंडिया भी यहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन कर सके। अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैं ही बताऊंगा आपको, मगर इसको अटैम्प्ट ज़रूर करना। क्या करो, ये वीडियो पहले देखो, पॉज कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन नीचे कॉमेंट सेक्शन में अटैम्प्ट करो, फिर वीडियो प्ले करना, देखना कि वेदर यू गॉट इट राइट और रॉन्ग। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंड आर्क के बारे में, ठीक है। दो स्टेटमेंट है इसके बारे में, पढ़ देता हूँ आपको, समझा देता हूँ। पहली स्टेटमेंट है इंड आर्क हमारे देश का, इंडिया का पहला अंडर वाटर मोड ऑब्जर्वेटरी है, जो नॉर्वे और नॉर्थ पोल के जो बीच का जो समुद्र है वहाँ पे डूबा हुआ है, क्योंकि अंडर वाटर है, ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि इंड आर्क को डिप्लॉय किया था आरवी लैंस ने, ये एक रिसर्च वेसल है जो नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट की है। एक बार वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, फिर मैं इसका जो आंसर है बताता हूँ आपको। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। पहली बात, क्या इंड आर्क हमारे देश का पहला अंडर वाटर मोड ऑब्जर्वेटरी है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि जो हिमाद्री वाला जो था ऑब्जर्वेटरी वो ऑन लैंड है और वो आइलैंड पे है नॉर्वे के। ये नॉर्वे और आर्टिक जो नॉर्थ पोल है उसके बीच में है, और जो पानी है वहाँ पे सबमर्ज हो रखा है, पानी के नीचे है, अंडर वाटर है, ऑल राइट। और इसको डिप्लॉय बिल्कुल यहाँ पे जो नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट है उनकी मदद से हमने इसको डिप्लॉय किया था, पानी के अंदर इसको छोड़ा था, और एक कमाल की ऑब्जर्वेटरी है। और जो पहले वाली थी वो हिमाद्री है, ये जो अंडर वाटर पहली है वो इंड आर्क है, ठीक है। याद रखना दोनों के बारे में, तुम्हारा आंसर हो गया सी बोथ। इंड आर्क का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्लाइमेट चेंज को स्टडी करना है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो इसको कैसे पानी के नीचे डाला होगा। ऐसा नहीं है कि पूरी एक एक कमरा हम पानी के नीचे डाल रहे हैं, एक बॉल सी होती है, इसके अंदर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट होता है, और काफ़ी महीनों तक ये पानी के नीचे रहती है और स्टडी करती है कि किस तरीके से टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, और पूरे इस एरिया को भी स्टडी करती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है इंड आर्क। फाइनली मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि इंडिया का यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू गाइस, क्योंकि देखो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही पार्ट है, ये जो पोलर रोड है उसी का ही एक एक्सटेंशन है, और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इंडिया उसके अगेंस्ट ऑलरेडी खड़ा है। तो इंडिया को क्या यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का भी विरोध करना चाहिए, या फिर इस प्रोजेक्ट से इंडिया को भी बेनिफिट मिल सकता है? यहाँ पे अगर चाइना के साथ इंडिया खुद को कनेक्ट कर लेता है तो इंडिया को भी यहाँ पर जो ये नॉर्दर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं उसे ट्रेड करने में आसानी होगी। तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लिखिएगा इसके बारे में।
एंड दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल.